हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वीवो का V15 Pro के बारे में। इसके वीडियो में उसके फुल स्पेसिफिकेशन के साथ हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे द्वारा कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड किए जाए जो भविष्य में सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो हम बात कर रहे थे वीवो V15 Pro के बारे में, एक ऐसा फ़ोन जो आप अभी आप अगर फ़ोन खरीदने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो इससे अच्छा आपके लिए बढ़िया मौका नहीं होगा, क्योंकि मैं बता दूं यहाँ से ये इसका बहुत ही हाईलाइट इसका फीचर आपको निकल के आ रहा है, बहुत ही मस्त यहाँ से फ़ोन वीवो और ओप्पो ने हमेशा एक चीज़ तो करता है कि जब वो एक अपना नया डिवाइस लॉन्च करते हैं तो उसमें कुछ नया करने की ज़रूरत कोशिश करते हैं। यानी कि जो अपना एक डिवाइस पहले लॉन्च किया और अगर उसके बाद फिर अगर दूसरा डिवाइस एक नया लॉन्च करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ नया करने की ज़रूर कोशिश करते हैं। तो इसमें इसका सबसे मेन हाईलाइट है इसका भी 3D कैमराज इसके फोन्स में अंदर आपको देखने को मिलेंगे। जो इसका मेन कैमरा है जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है और एक है 8 मेगापिक्सल का, एक है 5 मेगापिक्सल की, यानी कि तीनों पिक्स मिलाकर आपको LED फ्लैश के साथ इसका कैमरास जो मिलेंगे। इसके फ्रंट कैमरा के बारे में हम बात करें तो इसका 32 मेगापिक्सल का इसका फ्रंट कैमरा है जो देखने में बिल्कुल शार्पनेस आपको फोटो नज़र आएंगी, क्योंकि एक बात है कि वीवो कितना भी कैमरा ऊपर ले जाए लेकिन ओप्पो से कैमरा के मामले में नीचे दबा ही रहता है। लेकिन ये मुझे अभी लग रहा है कि देखिए, जब वीवो ने अभी ये 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा लाया है तो ओप्पो भी तो शायद चुप नहीं रहेगा, ओप्पो भी लाएगा। यानी कि आप सोच सकते हैं ओप्पो भी इससे हाई रेंज में कैमरा लाएँ या इससे कम रेंज में ले, लेकिन लाएगा। मुझे लग रहा है कि मेरा ओपिनियन नहीं है कि वो इससे ज़्यादा ही रेंज में लाएगा। ये दो कैमराज की हमने बात कर ली। अब इसके हम फिंगरप्रिंट के बारे में बात कर ले तो ये फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले के अंदर है, यानी कि आप डिस्प्ले पर टच कीजिएगा, आपको वीवो का नेक्स्ट जो आप फ़ोन देखे होइएगा उसमें आपको फ़ोन सेम उसी तरह से इसमें भी है कि आप यहाँ से डिस्प्ले के ऊपर टच कीजिएगा आपका अनलॉक, फेस अनलॉक दिया है जो कि बिल्कुल पावरफुल है, या पैसे देखते ही खुल जाएगा। और इसके डिस्प्ले क्वालिटी की बात कर ले तो 6.59 इंच का इसका FHD डिस्प्ले है और सुपर एलमेट इसका आपको डिस्प्ले इसमें देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ से आप मूवी या कुछ भी गेम खेल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं आपको ये बहुत ही मज़ा आएगा इस फ़ोन को चलाने में, इसका बहुत ही मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ से सुपर एलमोट आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इसके बैटरी डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं तो इसका 4100 mAh का इसका बैटरी इसमें आपको देखने को आ रहा है, लेकिन ये इतना बैटरी मिल रहा है लेकिन शायद इसके पहले फ़ोन में आपको वीवो का फ़ोन में नहीं देखने को मिल रहा था, लेकिन अब ये वीवो का फ़ोन में 4100 mAh को आपको बैटरी दे लगे। अगर इसके चिपसेट का हम लोग बात करें तो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन का 635 का यहाँ से इसका चिपसेट दिया है और ऑक्टा कोर दिया है, 2 GHz का यहाँ से प्रोसेसर इसका दिया है, जो कि आप सोच सकते हैं कि ये प्रोसेसर या चिप सेट दोनों मिलाकर आप कितना भी इसे में गेम आप जितना भी कर लो, मूवी यदि कर लो, लेकिन आपका फ़ोन थोड़ा सा भी हिलेगा मतलब ऐसे मतलब हैंग होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है, वो इस प्रकार से इसका गेम है। अगर इसके मतलब चार्जिंग वार्जिंग की बात करें तो इसमें आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिल सकता है, इसलिए अभी इसका पूरा फुल स्पेसिफिकेशन नहीं है कि ये हालांकि ये अभी उधरे हैं चाइना में, लेकिन अब यह रहा है कि फास्ट चार्जिंग मेरे ख्याल से यहाँ से सुपर चार्ज यहाँ से देखने को इसमें हम लोग को मिल जाता तो बहुत ही बढ़िया होता है, लेकिन इसमें आपको देखिए क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं मिलता है। अगर इसकी रैम के बारे में हम बात कर ले, रैम के बारे में तो इसमें आपको दो वेरिएंट में नज़र आएंगे, पहला है 6 GB और दूसरा है 8 GB, दोनों के स्टोरेज में आपको कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि 128 GB आपको दोनों ही वेरिएंट में आपको मिलेंगे। अगर कलर की मैं बात कर लूँ तो सिर्फ वो आपको ब्लैक कलर में आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। देखिए हालाँकि अभी उतना इतना डिटेल तो दिया लोग नहीं है, लेकिन इसके कुछ पोस्टर्स जो हमारे साथ लीक हो गए हैं तो इसी के हम लोग बता रहे हैं, लेकिन इसमें आपको कलर ब्लैक मिलेगा और 6 GB और 8 GB के यहाँ से अराउंड में आपको ये देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स मेरा छोटा वीडियो आप लोग के लिए पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक ठोकिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक और नया टेक्नोलॉजी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।